हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज आपका होमवर्क, आज आपका टॉपिक है सम इट अप। क्वेश्चन नंबर सी, डू एज डायरेक्ट, पेज नंबर 143। सभी बच्चे ओपन कीजिए। अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर सी, डू एज डायरेक्टेड लिखा है, ठीक है। आप सभी बच्चे लिख लीजिए। अब करना क्या है आपको यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले जैसे राइट इन वर्ड्स, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं सर, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो आज हम एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। कैसे पढ़ते हैं, 387 रुपीज़ वर्ड्स में लिखने हैं। नंबर्स नेम लिखना चाहते हैं, बस आपको यहाँ पर यही लिखना है। जैसे ये लिखे हैं 387 रुपीज़, लिख लिए 387 रुपीस एंड 4 पैसे। सेकेंड, 0 रुपीस 1 पैसे। मैंने आपको पैसे पढ़ने सिखाए ना, पैसों को किस तरह से रीड करते हैं। जिसे 1 से लेकर 9 पैसे दिए हों तो क्या करना होता है बच्चों, यहाँ 9 जो है 1 0 इंक्रीज करते हैं, जैसे 0.01 पैसे या 0.02 पैसे, 0.03 पैसे, 0.09, इस तरीके से हम 9 तक। लेकिन जब 10 आता है, 10 पैसे, तो हम कैसे लिखते हैं, 0.0.10। 11 पैसे लिखने होंगे तो 0.11 पैसे, ओके। इसी प्रकार से अब यहाँ पर दिए 15 रुपीज़ 30 पैसे। देखिए यहाँ पर 30 पैसे लिखे ना, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए 15 रुपीज़ एंड 30 पैसे। 1654 रुपीज़ 55 पैसे, ओके। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर सी को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इनटू का साइन है, मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। डिवीज़न डिवाइड का साइन है, डिवीज़न करना है आपको। इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे करते आए हैं। फोर, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, 9 का टेबल पढ़िए 0 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 9 0 0 9 4 36, 9 4 36 के 6 कैरी 3, लिख लिए बच्चों। 9 7 63 63 + 3 जो कैरी है ना, उसको भी तो ऐड करना है। 63 + 6 3 यानी 66 66 के 6, फिर कैरी कितने हैं, 6। 9 5 = 45 45 + 6 कितने हो जाएंगे, 45 + 5 = 50, और 1 और ऐड करो, 51 51 के 1 कैरी 5। 9 5 = 54 54 + 5 = 59, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, रुपए पैसे में लिखने हैं, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगेगा, कितने डिजिट से पहले है, 2 डिजिट से पहले, तो अब यहाँ पर भी आपको 2 डिजिट से पहले साइन, डेसिमल साइन लगाइए, यानी 6 और 6 के बीच में। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने में आपको क्या करना है, वो रुपए एंड पैसे लिखिए, ठीक। जिसमें आपको 613, इसके बाद पैसे में लिखेंगे 75, फिर सेकेंड उसमें लिखेंगे 1 के नीचे 9 3 के नीचे 7, point के नीचे 0.7 के नीचे 3 एंड 5 के नीचे 9। फिर बच्चों उसी प्रकार से आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। सभी बच्चे इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, यस। तो अब आप लोग जैसे यहाँ पर दिया है डिवीज़न, डिवीज़न में आपको करना है बच्चों 3970.20, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे
कि थ्री आना चाहिए, तो कितने टाइम्स पढ़ते बच्चो, वन टाइम्स, थ्री वन जा थ्री क्वेटेंट वन, ओके, एंड थ्री सबट्रैक्ट करें थ्री से तो ज़ीरो, नेक्स्ट डिजिट है नाइन, फिर थ्री का टेबल पढ़ेंगे तो नाइन आता है थ्री के टेबल में, ऑफकोर्स थ्री थ्री ज़ा नाइन, कितने टाइम्स आपने पढ़ा, थ्री टाइम्स, ओके। जब आपने थ्री टाइम्स पढ़ा है तो यहाँ पर कितने क्वेटेंट क्या है, थ्री, एंड नाइन माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो, नेक्स्ट डिजिट क्या है, सेवन, ओके, सेवन लिखिए। अब थ्री का टेबल पढ़िए, सेवन आना चाहिए या फिर लेस देन सेवन, ओके, तो थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन इज़ मोर देन सेवन, सो लेस देन पढ़ना है आपको, तो यहाँ पर कितने टाइम्स पढ़ेंगे, टू टाइम्स, थ्री टू जा सिक्स, क्या लिखा आपने, थ्री टू जा सिक्स, क्वेटेंट क्या है बच्चों, टू, एंड सेवन माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन, ज़ीरो लिखिए बच्चों, ठीक है। अब थ्री थ्री जा नाइन, क्वेटेंट कितना है यहाँ पे, थ्री, एंड टेन माइनस नाइन इज इक्वल टू वन। अब बच्चों नेक्स्ट नंबर है टू, उससे पहले डेसिमल साइन है तो उसे आप क्वेटेंट के क्वेटेंट में लगाइए पहले, ठीक है, टू लिखने से पहले डेसिमल आप लगाएंगे क्वेटेंट में। अब यहाँ पर हो जाएगा ट्वेल्व, थ्री का टेबल पढ़िए, ट्वेल्व आना चाहिए, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, ओके, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व ज़ीरो, नेक्स्ट डिजिट क्या है, थ्री ज़ीरो, ओके, तो ये जो लास्ट में ज़ीरो है वो कहाँ पे लिखेंगे, क्वेटेंट में। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों अब इसी प्रकार से फोर एंड फाइव क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट बताया वैसे ही आपका सेकेंड होगा, सॉरी जैसा मैंने फर्स्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग आप फोर का भी कर लेंगे। और जो फाइव क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, वही रुपए पैसे लिखिए, पहले आप प्लस कीजिए 54 रुपीस 18 पैसे 173 रुपीस 4 पैसे को प्लस कीजिए, जितना प्लस करने पे आता है उससे आप 65 रुपीस 90 पैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना अमाउंट होगा ये आप फाइंड कर लेंगे, ओके। तो बच्चों आप इस वर्क को आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, साथ में डेट मेंशन भी करना है, ओके, और सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करें और तुरंत सेंड कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस।